दोस्तों ये जो फोन है ये लगेगा नेविगेशन के लिए और ये लगेगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इसको, इसका नेविगेशन। ओके तो सो दोस्तों अभी मैंने अभी साइड में लगाया था इसको, बाइक को, क्योंकि मैंने इसको सेटअप करना है कैमरे को, इसकी जो लीड है मैंने लगाना भूल गया था। तो अभी मेरे को याद आया कि इसको जब मैं जैसे मैंने ऑन किया तो मुझे समझ में आया कि लीड तो लगी नहीं है, इसलिए मुझे साइड में खड़ा करना था। और ये ग्लव्स मैंने डाले हैं, ग्लव्स थोड़े टाइट हैं लेकिन अच्छे हैं, टाइट होना भी चाहिए क्योंकि शुरू में अगर आप थोड़े से ढीले ले लोगे ना तो कुछ टाइम के बाद लेदर जो है ना और ढीला हो जाता है, तो इसीलिए थोड़े से टाइट लेने से बाद में ये अपने हाई एंड के मुताबिक जो है वो सेट हो जाते हैं। तो अब हो गया हूँ मैं रेडी। सो दोस्तों चलते हैं, जर्नी छोटी सी है बट है जो है अच्छी है, देखते हैं कहाँ जाके अपना पहला स्टॉपेज होता है। मार्केट है मेरे शहर की, तो उसी में से निकल के आज जाने का प्लान था मेरा, आपको दिखाना था कि ये मार्केट कैसी है। तो ये दोस्तों ये है शिमला पहाड़ी, उसी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो चढ़ाई सी लग रही है आपको, और इसी के जस्ट ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे एक पार्क है और वो पार्क हाइट पे बनाया हुआ है इसलिए उसको शिमला पहाड़ी का नाम दिया गया ये वाला पार्क। ये है पोस्ट ऑफिस चौक और ये आगे सीधा गांधी चौक और ये जो निकल गया है अपना डलोजी रोड जो मार्केट है उसके बीच से निकलता हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और ठीक रात को 11 बजे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। एक दिन मैं आया था, दोस्तों यही एक लाइफ है शहर की जिंदगी, दोस्तों ऐसे चहल पहल जैसी रहती है और गांव में बिल्कुल ये बिल्कुल उलट हो जाता है और वहाँ पे बस एक भाई बंदी एक रिश्ता नाता जुड़ा होता है और शहर में ये बिल्कुल अलग होता है, कोई रिश्ता नाता इतना ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता है। पैसा एक बहुत बड़ा एक मैटर है, सबसे बेस्ट जिंदगी दोस्तों शांति, शांतिपूर्ण जो जिंदगी है ना वो सबसे बेस्ट मानी गई है। एक बिजनेसमैन जिसके पास बे इंतहा पैसा होता है फिर भी उसके पास शांति नहीं होती है, और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता दोस्तों, पैसा के साथ पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है, सारी ज़रूरतें जो है पैसा ही पूरी करती है। ये हम शहर को लगभग क्रॉस कर चुके हैं, यहीं से हमारी जर्नी जो है अब शुरू हो जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम चंबा की तरफ जा रहे हैं और चंबा नहीं जा रहे हैं, बस कहने का मतलब एक छोटी जर्नी है, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस हम घूमने फिरने जा रहे हैं और एक छोटा सा कैंप करेंगे विदाउट टेंट, यानी कि कैंप करेंगे विदाउट टेंट। और मेरा टेंट जो है वो मेरा आने वाला है, उसके बाद मैं सोलो राइड किया करूंगा और उसी में हमारा खाना पीना जो होगा वो चलेगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि एक ग्रुप में आप घूमा जाए कि हमारे पास 10 दोस्त हों 5 दोस्त हों तभी हम घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दोस्त बिजी हैं और इस वक्त हमारा घूमने का दिल है तो दोस्तों अपने दिल को रोको मत, ज़रूर जाइए, बेशक बाइक कोई भी होने दो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी बाइक लेनी है, आप एक छोटी बाइक स्प्लेंडर पे भी जा सकते हो।
ठीक है। खुशी है तो सब कुछ है दोस्तों, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जीना सबका अधिकार है, और जो बिजी हैं उनको बिजी रहने दो। आपके पास वक्त है, आप इजी हो, तो आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो मैं लगभग ममून रोड पे आ गया हूँ, और आगे जाके एक सिंबल चौक आएगा, मैं उसी को क्रॉस कर जाऊँगा, और सिंबल चौक से सीधा मुझे जाना है चंबा वाले रूट पे, और जो बिल्कुल राइट मुड़ जाता है वो जाता है हमारा जलंधर के लिए, और ये है रास्ता आपका चंडीगढ़ के लिए और जलंधर के लिए, और हमने जाना है सीधा जो कि चंबा के लिए है। सो दोस्तों ये था पार्ट टू, और अगला पार्ट हम देखेंगे कल, आगे की जर्नी कल, और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।